चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेयर से रिलेटेड एक होममेड रेमेडी। ये जो रेमेडी है वो पूरी तरीके से मैंने घर पे बनाई है, घर के इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करे हैं, कोई भी बाहर की चीज़ मैंने इसमें यूज़ नहीं की है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो कुछ पता चलेगा नहीं कि मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये आपकी हेयर्स को कैसे आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा, आपके जो भी डैंड्रफ है उसको रिमूव करने में, आपके हेयर्स को शाइनी बनाने में हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। सबसे पहले इसमें मैंने यूज़ किया है वो है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, वो है बटर या फिर मक्खन। इसमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें बटर यूज़ किया है। बटर क्या होगा, जो भी आपके ड्राई हेयर्स हैं उसको स्मूथ बनाने में, सिल्की बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके जो हेयर्स हैं उसको बिल्कुल स्मूथ बनाने में हेल्प करते हैं। और जो मैंने इसमें सेकेंड इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है वो है बनाना। बनाना जो होता है आपके जो इस हेयर्स हैं उसको स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटेशियम होता है, जो आपके जो हेयर्स हैं उसको स्मूथ बनाने में बहुत हेल्प करता है। और थर्ड जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किया है वो है कर्ड, दही। दही जो होता है आपकी स्कैल्प को मॉइस्चराइज करने में। और जो उसके बाद जो मैंने इसमें यूज़ किया है वो एलोवेरा यूज़ किया है। एलोवेरा क्या होता है, जो भी आपकी स्कैल्प होती है उसको क्लीन करने में, आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपके जो हेयर्स हैं उसको स्मूथ बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। एलोवेरा में क्या होता है, बहुत विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके हेयर्स की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो आपके बाल टूटने लग जाते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद जो मैंने इसमें चीज़ यूज़ की है वो है हनी। हनी जो होता है आपके जो हेयर्स होते हैं उसको सॉफ्ट बनाने में, शाइनी बनाने में बहुत हेल्प करता है, के हेयर को मॉइस्चराइज करता है और जो भी आपके बाल टूटने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं उसको भी इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प। इसके लिए आपको ऐसे स्टील की बाउल लेनी है, उसमें 2 टेबल स्पून आपको बटर लेना है, आप मक्खन भी ले सकते हैं, मैंने इसमें बटर लिया है। उसके बाद आपको इसको जो मक्खन है इसको आपको डबल बॉयलर में बॉईल करना है। पहले कोई उसमें पानी रखना है, उसमें अपनी कटोरी रखनी है, तो ये आपका मेल्ट हो जाएगा। कुछ ऐसा सा रिज़ल्ट आपके पास आएगा जब ये आपका डबल बॉयलर में मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप को बनाना लेना है, मैं इसमें हाफ बनाना ले रही हूँ क्योंकि मेरी जो लेंथ है वो शोल्डर लेंथ है। अगर आपकी थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ है तो आप इसमें 1 बनाना भी ले सकते हैं, मैंने इसमें हाफ बनाना लिया है। उसके बाद मैं जो इसको मैश करूँगी वो फॉक की हेल्प से मैश करूँगी, तो ये ईजीली मैश हो जाएगा। प्लीज़ इसको मिक्सी में बिल्कुल भी मैश ना करें, अपने हाथ से ही इसको मैश करें, क्योंकि अगर आप मिक्सी में मैश करेंगे तो ये थोड़ा सा पानी जैसा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें इसको हाथ से ही मैश कर रही हूँ। इन दोनों का आपको अच्छे से मैश करना है, उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स आपको इसमें मिक्स करना है। देखिए अच्छे से हमारा पेस्ट बन गया है। उसके बाद इसमें हम 2 टेबल स्पून इसमें कर्ड या दही डालेंगे। अच्छे से हमको फुल टेबल स्पून इसमें दही डालना है। उसके बाद इसमें हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें मैं 1 टेबल स्पून हनी या फिर जिसको हम शहद बोलते हैं उसको ऐड करना है। हनी भी आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद इसमें मैंने 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लिया है, 2 टेबल स्पून ही आपको इसमें एलोवेरा जेल लेना है। उसके बाद इन सब चीज़ों को बस आपको मिक्स कर दो। देखिए मेरे बाल कितने ड्राई हो रहे हैं। अभी हम इसमें मास्क लगाएंगे, फिर देखते हैं कि हमारे बालों में क्या इसका रिज़ल्ट आता है। अपने हेयर्स को 2 पार्टीशन में डिवाइड करना है, ऐसे 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लीजिए। सारे टैंगल्स निकाल लीजिए अपने बालों के। इसको हमको थोड़ा सा गीला करना है, वेट करना है पानी से, उससे क्या होगा जो भी हमारा ये जो हमने पैक बनाया है वो इजीली हमारे बालों में लग जाएगा। जो हेयर मास्क है मेरे हेयर्स में बिल्कुल लग चुका है, ये जो हेयर मास्क है मेरे हेयर्स में बिल्कुल लग चुका है अच्छे से। अब मैं इसको 1 आवर्स के बाद वॉश करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे बालों पे इसका क्या रिज़ल्ट रहा। और इसका रिज़ल्ट बहुत ही बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा आपके हेयर्स के लिए। तो प्लीज़ इसको ट्राई करके ज़रूर देखना, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलना। उससे जो भी मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी और जो भी होम रेमेडीज़ होगी जो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगी उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। बाय।